नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है शिवलिंगी बीज के फायदे और उसके उपयोगों से रिलेटेड जानकारी के संबंध में। शिवलिंगी बीज, जिनका वैज्ञानिक नाम ब्रायोनिया लेसिनोसा है, आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध खोजों में से एक है। ये इसका उपयोग बांझपन के उपचार के लिए किया जाता है। इन बीजों को उनके सूजन कम करने, रोगाणुरोधी, पीड़ा कम करने, फंगस रोधी, रक्त में लिपिड के स्तर को कम करने के लिए, शुक्राणु में वृद्धि करने और ज्वरनाशक गुणों के लिए जाना जाता है। इन्हीं गुणों के कारण यह एक प्रभावी गर्भाशय टॉनिक है जो महिलाओं के बांझपन का इलाज करता है। इस प्रजनन की शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी का प्रयोग आयुर्वेद में पुत्र जीवक बीज के साथ किया जाता है। हालांकि इसमें विभिन्न आयुर्वेदिक गुण हैं जिसके कारण यह कफ दोष को कम कर देती है। शिवलिंगी अधिक कफ दोष के लक्षणों वाले रोगी के लिए अधिक फायदेमंद है, लेकिन यह पित्त दोष वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। शिवलिंगी बीज का स्वाद कड़वा और तीखा होता है। इसका उपयोग डॉक्टर की देखरेख में उचित मात्रा में करना सुरक्षित है और इससे कई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शिवलिंगी सीड्स फॉर प्रेगनेंसी। जी हाँ, शिवलिंगी के लाभ प्रेगनेंसी के दौरान। शिवलिंगी बीज महिलाओं की प्रजनन क्षमता और गर्भधारण की संभावना को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांझपन कम ओवेरियन रिजर्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडे की कम संख्या या गुणवत्ता के कारण अंडाशय अपनी सामान्य प्रजनन क्षमता खो देते हैं। शिवलिंगी बीज महिलाओं की प्रजनन क्षमता और गर्भधारण की संभावना को बढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांझपन कम ओवेरियन रिजर्व के कारण होता है। कम ओवेरियन रिजर्व एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडे की कम संख्या या गुणवत्ता के कारण अंडाशय अपनी सामान्य प्रजनन क्षमता खो देते हैं। यह स्थिति बीमारी या चोट से हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह समस्या उम्र बढ़ने के कारण होती है। शिवलिंगी बीज मासिक चक्र की समस्या को सामान्य करके कम ओवेरियन रिजर्व जैसी ओवुलेशन की समस्या का इलाज करने में मदद करते हैं। हालांकि यह दवा के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर मरीज का महावरी के दौरान बहुत अधिक खून बहता है तो। शिवलिंगी के बीज का उपयोग आपके यौन ऊर्जा को बढ़ाता है। शिवलिंगी बीज को इसके नर हार्मोन संबंधी गतिविधि के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा कामोद्दीपक औषधि माना जाता है। इन बीजों के उचित मात्रा में सेवन करने से पुरुषों में यौन क्षमता बढ़ जाती है, अधिवृषण, वृषण और प्रोस्टेट का वजन बढ़ता है। यह न केवल शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करने में मदद करते हैं बल्कि यह शुक्राणु कोशिकाओं में फ्रक्टोज को बढ़ाकर शुक्राणु द्रव के पोषण स्तर को भी बढ़ाते हैं। यह प्रजनन क्षमता के लिए बेहद फायदेमंद बदलाव है जिनके कारण यौन ऊर्जा बढ़ती है। शिवलिंगी बीज के फायदे लीवर के लिए। शिवलिंगी बीज का लोकप्रिय रूप से आयुर्वेद में इसके ज्वर हटाने वाले और पीड़ा नाशक प्रभावों के लिए उपयोग किया जाता है। शिवलिंगी के पत्तों की ज्वर नाशक क्रिया पारासीटामोल के समान होती है। शिवलिंगी में ग्लूकोमानन नामक एक प्राकृतिक आहार फाइबर होता है जो पानी में घुलनशील फाइबर है। यह पानी को अवशोषित करके आंत में मल त्याग को आसान बनाता है। इस प्रकार खासकर बच्चों में कब्ज के लिए एक प्रभावी इलाज के रूप में ये कार्य करता है। शिवलिंगी बीज का सेवन मोटापा भी कम करता है। जब इसे नियमित रूप से और सही मात्रा में लिया जाता है तो यह बीज बॉडी मास इंडेक्स और शरीर के वजन को कम करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। यह कार्य ग्लूकोमानन के कारण हो सकता है जो स्वस्थ रूप से मल त्यागने में मदद करता है। दोष और उसके संकेतों के अनुसार समझदारी से उपयोग किए जाने वाले शिवलिंगी का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। अधिक प्रभावी परिणाम पाने के लिए आयुर्वेद में शिवलिंगा बीजों को पुत्र जीवक बीज के पाउडर के साथ लेने का सुझाव दिया गया है जो गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए फायदेमंद है और महिलाओं को गर्भवती होने में मदद करता है। इसके लिए आप पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज को मिला लें और उनका अच्छी तरह से पाउडर बना लें।
अब आप एक चम्मच पाउडर को ऐसी गाय के दूध के साथ मिला लें जिसने बछड़े को जन्म दिया हो। आप इसे नाश्ते के एक घंटे पहले और फिर रात के भोजन से एक घंटे पहले ले लें। किसी भी पारंपरिक दवा का सेवन सावधानी से करना चाहिए, इसलिए इसके सेवन से पहले चिकित्सक से या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, क्योंकि आपकी बॉडी में किस चीज़ की अधिकता है और किस चीज़ की कमी ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद ही किसी भी औषधि का आपको प्रयोग करना चाहिए, तो ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। एक धारणा है कि शिवलिंगी बीज लेने से लड़का होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या यह धारणा सही है? शिवलिंगी बीज फॉर मेन चाइल्ड की धारणा सही नहीं है। जैविक रूप से एक महिला में केवल एक्स क्रोमोजोम होता है और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम होते हैं। बेटा तब पैदा हो सकता है जब पिता का वाई क्रोमोजोम संभोग के दौरान माता के एक्स क्रोमोजोम के साथ जुड़ता है। इसमें शिवलिंगी बीज कोई भी भूमिका नहीं निभा सकता है, वह तो केवल गर्भधारण की संभावना को बढ़ा सकता है, इसीलिए लोगों ने अवधारणा बना ली है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए आज हमारी। अगले अंक में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण और किसी अन्य औषधि या फिर जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।